नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मीम ट्रीज के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। भैया आज जो मार्केट थोड़ी सी ग्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे मार्केट जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो गई है। उसी के साथ ही बात करेंगे यहाँ पे एफएक्स स्ट्रीट की जानिब से एक और बड़ी यहाँ पे भैया घोषणा की गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि भैया जो एफएक्स स्ट्रीट है उसका ये मानना है कि शिबा इनू कॉइन की प्राइस है वो 20 जुलाई से पहले जो है वो इंक्रीज़ होने के भी कुछ चांसेस हैं। तो भैया वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, बेल का घंटा लाजमी प्रेस करना ही है भैया, क्योंकि हर एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया शिबा इनू वर्चुअल पार्टी में लीड टू 50% ब्रेकआउट आफ्टर शिबा स्वैप लॉन्च। यहाँ पे भैया 50% यहाँ पे जो बढ़ने के चांसेस बताए गए हैं। एफएक्स स्ट्रीट जो कि एक लीजेंड वेबसाइट है, अब ये वर्चुअल पार्टी वो अनाउंस की गई थी सतोशी कुसामा की तरफ से। और यहाँ पे जो भैया सबसे बड़ा जो ट्वीट सामने आया है, जो कि ट्वीट इन्होंने शेयर किया है इस वेबसाइट के ऊपर, हो सकता है कि ये वो सेलिब्रिटी हो सकती है जो कि इस वर्चुअल पार्टी को भी ज्वाइन कर सकती है। अब वो पूछेंगे भैया वो कौन सा ट्विटर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको पता है कि मीक मिल एक बहुत बड़ी भैया सेलिब्रिटी है और यहाँ पे इसके 10.8 मिलियन फॉलोवर हैं ट्विटर के ऊपर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इस वेबसाइट ने भी भैया इसके ट्वीट को भी मेंशन करके इस वेबसाइट के ऊपर ये कहा है कि भैया हो सकता है कि ये बंदा इस पार्टी को ज्वाइन करने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीक मिल के इस ट्वीट को भी इसने शेयर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी की गई है कि मीक मिल भैया हो सकते हैं कि इस पार्टी का हिस्सा हो और ये भी इस पार्टी को अटेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे भैया सतोशी कुसामा में भी क्लियरली बताया था कि हम भाई काफ़ी एक्साइटेड है इस पार्टी को लेके। और यहाँ पे भैया शिबा इनू कॉइन की NFTs को लेकर और यहाँ पे शिबा एक्सचेंज को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है। तो भैया उम्मीद है कि ये इवेंट शिबा इनू कॉइन की प्राइस को राइज करने में सपोर्ट कर सकता है। तो भैया मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप टोकन अपने सेल नहीं करो, क्योंकि जब जब हम पैनिक होकर टोकन को सेल करते हैं उसी टाइम जो मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया जो ग्रीन सिग्नल है वो नज़र आ रहे हैं और जो मार्केट है वो भी धीरे धीरे भैया रिकवर होना स्टार्ट हो गई है। और 20 जुलाई को भी भैया 5 दिन रह गए हैं, तो भैया बी प्रिपेयर, हमको जो वो अपने टोकन को सेल नहीं करना है, हमें जो वो होल्ड करके रखना है। और वैसे ही लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करेंगे तो हमें बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बार बार देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का घंटा लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि भैया हर एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।